नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में एमेस्टार्टोफ फंगीसाइड के उपयोग के सही समय और इसे गेहूं की फसल में स्प्रे करने से हमें क्या फायदे होंगे। साथ ही एमेस्टार्टोफ फंगीसाइड की पूरी ए टू जेड जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में एमेस्टार्टोफ फंगीसाइड की पूरी जानकारी के लिए कृपया यह वीडियो ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सेजेंटा कंपनी का आता है एमेस्टार्टोफ फंगीसाइड, जिसके अंदर दो केमिकल कंटेंट आते हैं। पहला इसके अंदर आता है एजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस इसके साथ डाइफेनोकोनाजोल 11.4% एससी के फॉर्म में आते हैं। वहीं ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक फंगीसाइड है, मतलब ये एक साथ कई रोगों पर नियंत्रण करता है, जैसे गेहूं और धान की फसल में लगने वाले जंग, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ब्लास्ट, सीड ब्लाइट जैसे रोगों को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। अगर बात करें इसे गेहूं की फसल में कब स्प्रे करना चाहिए, तो किसान भाई, जब गेहूं की फसल में आखिरी झंडा पत्ती निकलने वाली हो, उस स्टेज पर इसका छिड़काव बेहद फायदेमंद रहता है। वहीं ये गेहूं की फसल को सभी प्रकार के स्ट्रेस और तनाव से बचाता है और गेहूं की बालियों में सभी दाने ठोस और वजनदार बनाने में सहायता करता है। वहीं किसान भाइयों, गेहूं की फसल में इसे 200 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये थी गेहूं की फसल में एमेस्टार्टोफ फंगीसाइड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वहीं इससे जुड़ा आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।